बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। CAA और NRC के विरोध के नाम पर बीते शुक्रवार और उसके बाद बलवाइयों को जो करना था वे कर चुके हैं। अब पुलिस शासन व प्रशासन की बारी है। सिर पर टोपी, ऊंची पैंट व मुंह पर रुमाल बांधकर जिन लोगों ने पथराव व आगजनी कर सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, उन्हें बड़ी तेजी से चिन्हित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे दंगाइयों के फोटो पुलिस ने सार्वजनिक कर दिए हैं, अब इनकी धरपकड़ होगी। फिलहाल मेरठ जोन में ही 265 लोगों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। 941 दंगाइयों को नामजद करते हुए मेरठ जोन में 56 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि बवाल में हुए नुकसान की भरपाई इन बवालियों से की जाएगी। इस कड़ी में पुलिस जिस तरह आगे बढ़ रही है, अगर वैसा हो गया तो भविष्य में सरकारी संपत्ति अथवा गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पूर्व दंगाई कई बार जरूर सोचेंगे। शासन इसे लेकर बेहद सख्त है। इसके अलावा जुम्मे पर बवाल से पहले जो बाजार बंद रहे उनके व्यापारियों को भी जवाब तलब होना बाकी है। लखनऊ व मुजफ्फरनगर में ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आखिर दंगे से पहले उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद क्यों कर लिए थे। सूचना के इस युग में शासन व प्रशासन ने भले ही इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर दंगे के बाद अफवाहों पर काफी हद तक अंकुश लगा लिया हो, लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम बाहुल्य जिलों व इलाकों में एक वर्ग विशेष की दुकानें खुली ही नहीं थी, वो इस ओर स्पष्ट इशारा करती है कि जुम्मे की नमाज के बाद कुछ बड़ा होने की सूचना अथवा आशंका एक वर्ग विशेष को पहले से ही थी। मेरठ जोन के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, बागपत, हापुड़ के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाके सुबह से ही बंद रहे। नमाज के बाद दंगे भड़के और देखते ही देखते आगजनी की घटनाओं ने दूर दराज के जिलों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। सरकारी व गैर सरकारी वाहनों को आग के हवाले तो किया ही गया, मेरठ में पुलिस चौकी भी फूंक दी गई। एक बड़ा और दिल दहलाने वाला हादसा होते होते रह गया। दरअसल चौकी को फूंकने की घटना पर करीब 30 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, लेकिन दंगाइयों ने उन सभी को बंधक बनाकर एक दुकान में बंद कर दिया। दंगाइयों ने शटर में आग लगाने की भी कोशिश की। यदि ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो घटना कितनी बड़ी होती इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। भारी फोर्स के वहां पहुंचने पर इन सभी को रिहा कराया जा सका। एक लंबे समय तक मेरठ ने दंगे की विभीषिका झेली और कर्फ्यू जैसा बदनुमा दाग अपने सिर पर लगाए रखा। इस दौरान शहर ने बहुत कुछ खोया, होश आया तो पिछले एक दशक के दौरान ऐसा कुछ मेरठ में नहीं हुआ जिसके लिए यह जिला जाने जाने लगा था। लेकिन शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने एक बार फिर से मेरठ के दामन को दागदार बना दिया। विशेष बात यह भी रही कि दंगाइयों का केंद्र विशेष थाना क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। बिजनौर के नेटवर्क को यदि छोड़ दें तो कहीं भी उपद्रवियों के सामने दूसरे समुदाय के लोग नहीं आए। यह टकराव वर्ग विशेष और पुलिस के बीच ही रहा। बहरहाल मेरठ जोन में पुलिस ने बेहद सख्ती बरतते हुए 56 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज कराए हैं। इनमें 941 लोगों को संगीन धाराओं में नामजद किया गया है, जबकि 256 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगर जोन के जिलेवार बात की जाए तो मेरठ में 8, मुजफ्फरनगर में 26, गाजियाबाद में 11, बुलंदशहर में 4, सहारनपुर में 4, शामली में 2, बागपत में 2 और हापुड़ में 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं कि क्या फर्स्ट बाइट को बता रहे हैं ADJ प्रशांत कुमार। सर, नागरिकता बिल को लेकर जो पूरे जोन के अंदर कौन कौन से जिलों में सर हिंसा हुई है सर? नागरिकता कानून जो नया जिसमें संशोधन किया गया है उसके तहत पिछले जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन 3 जनपदों में हिंसा हुई, जिसमें कि मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जनपद शामिल है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद में धरना प्रदर्शन हुआ और एक दो जगह पर पत्थरबाजी की घटना हुई। उपरोक्त के संबंध में अब तक पूरे जोन में 56 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और नामजद तथा प्रकाश में आए अभियुक्तों की संख्या लगभग 1000 है।
जिनमें से 265 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दंगाइयों के पास से अवैध शस्त्र, कारतूस, जिंदा और खोखा इत्यादि बरामद किए गए हैं। सभी जगह जहां उपद्रव हुए हैं उनकी वीडियोग्राफी, प्रेस से प्राप्त मीडिया की जो फुटेज है और इसके अतिरिक्त जो स्टिल फोटोग्राफी की गई थी उसके बेसिस पे पहचान कराई जा रही है और जगह जगह पे पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और विशेष टीम गठित करके ही आगे की विवेचना की जा रही है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को तोड़फोड़ के या उपद्रव के कारण के केसेस में जेल न जाना पड़े, केवल वही लोग जाएं जिन्होंने ये उपद्रव किया है। ये भी बताना उचित होगा कि जो तोड़फोड़ के कारण जो राजकीय क्षति हुई है उनकी वसूली भी पुख्ता सबूत मिलने के बाद उपद्रवियों से ही की जाएगी, क्योंकि इस संबंध में पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं। वर्तमान में स्थिति सभी पूरे जोन में सामान्य है, लेकिन एहतियातन मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा मेरठ में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इन जनपदों में पूर्व का इतिहास ऐसा है कि यहाँ अभी लंबे समय तक फोर्स लगाया जाना उचित रहेगा। इस बीच पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में दंगाइयों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। इनमें वे दंगाई शामिल हैं जो पथराव, आगजनी के दौरान कैमरे की जद में आए हैं। पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से ये फोटो इकट्ठे किए हैं और पोस्टर के शक्ल में विभिन्न थानों में चस्पा कर दिए हैं। इनमें शामिल लोगों में अधिकांश कम उम्र के युवक शामिल हैं। कई ने पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे पर रुमाल भी बांध रखा है। इन पोस्टर ने आगजनी व पथराव में शामिल लोगों की नींद उड़ा दी है। कई मुस्लिम नेताओं ने पुलिस प्रशासन से अब गिरफ्तारी न करने का आग्रह भी किया है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन दुकानदारों की भी जवाबदेही तय की जाएगी जिन्होंने दंगे से पूर्व अपने प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रखे थे। इन बंद बाजारों को देखते हुए ही सुबह से ही जुम्मे की नमाज के बाद कुछ होने की आशंका व अफवाह उड़ने लगी थी। इसे देखते हुए ही सड़कों पर आवाजाही बेहद कम हो गई थी। अब प्रशासन किस तरह से इन लोगों को ऐसा सबक सिखाने जा रहा है कि भविष्य में भी कुछ करने से पहले ये 100 बार सोचेंगे। फर्स्ट बाइट को बता रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडे। आज जो शुक्रवार को जो एक घटना हुई थी उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया द्वारा जो फुटेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसके आधार पर उन थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जिन भी लाइसेंसधारी हैं उनको हम लोग नोटिस निर्गत कर रहे हैं। तो नोटिस निर्गत ये किया जा रहा है कि वो उस बताएं कि अपने जो लाइसेंसी असलहे हैं उनका तो दुरुपयोग तो नहीं किया गया, या जो भी उनके कारतूस है उसका दुरुपयोग तो कहीं किसी स्तर पे नहीं किया गया। अगर जिन भी लाइसेंसी धारक द्वारा उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया गया या प्रत्यक्ष रूप से पाया गया कि उसका दुरुपयोग किया गया है तो आर्म्स एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत हम लोग उनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करेंगे और मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। सर, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कब से शुरू होगी सर? फिलहाल हम लोगों ने इसका आकलन का कार्य शुरू करा दिया है कि कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसका जैसे ही आकलन आ जाता है। साथ ही साथ जो दुकानें उस दिन बंद रही थी, जो अमूमन नहीं बंद रहती, उसका भी हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उनको भी नोटिस निर्गत की जा रही है कि बताएं कि किन कारणों से बंद रहा है। अगर संतोषजनक जवाब उनका नहीं रहा तो एक कम्युलेटिव एक्शन लिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। अभी तक सर कुछ प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया हो सर? अभी हम लोग जैसे कि आप लिसाड़ी रेड हापुड़ रोड पे देखा होगा तो कई जगह रेलिंग तोड़ी गई थी, एक पुलिस चौकी इस्लामाबाद पुलिस चौकी भी चलाई गई थी। तो जो इसके साथ साथ पब्लिक की भी प्रॉपर्टी का नुकसान कराया गया है तो पब्लिक आ करके अपने नुकसान को थानों पे दर्ज करा रही कि उनके साथ ये चीज़ें हुई, जैसे कि हॉस्पिटल के सारे कैमरे वगैरह तोड़ दिए गए, उन लोगों के द्वारा भी रपट लिखवाई जा रही है। तो सारी चीज़ों को हम लोग संकलित करते हुए एक कम्युलेटिव एक्शन लेंगे। अभी कोई संपत्ति संबंधी नुकसान का कोई FIR दर्ज हुई है किसी थाने में? हाँ, सभी थाने लिसाईगढ़ थाने में 2-3 लोगों ने दिया हुआ है, जैसे सिटी हॉस्पिटल से आई है, कई जगह से आई है। जैसे जैसे लोगों की किन्हीं की गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं और सब वो लोग अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आज इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।